प्रदेश के सभी युवाओं से मेरे हाथ जोड़कर अपील है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया सापरा विधानसभा क्षेत्र से, और इस मौके से आपको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि विधानसभा में जाकर आपकी आवाज और मजबूती उठाऊंगा। मैं बिना पद रहते हुए 2.5 से 3 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने में अहम योगदान निभाया जो पूरा देश जानता है। मैंने आज तक आप लोगों से कुछ नहीं मांगा, लेकिन 12 साल तक मैंने आप लोगों के लिए संघर्ष किया है। 17 बार मैं जेल गया हूं, 12 बार मैंने अनशन किया है और दर्जनों बार लाठियां खाई है, और मेरे साथ कितनी यातनाएं की गई है। जब मैं जेल में होता था, कपड़े निकालकर मुझे पीटा जाता था, और जब मार्च में मैंने अनशन किया तो आप लोगों के लिए मैंने लिखित में डॉक्टर को दे दिया कि मेरी मौत होती है तो सरकार या मैं खुद जिम्मेदार होगा, लेकिन मैंने अनशन नहीं तोड़ा। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद ही कानून आया उम्रकैद का। तो आप लोग मजबूत बनाए, अपने कीमती समय में से निकालकर आप 2 दिन सापरा के लिए दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस प्रकार मैंने आप लोगों के लिए आवाज उठाई है, उससे कई गुना मजबूती से आवाज उठाकर आपको न्याय दिलाने का काम करूंगा। क्योंकि जब पेपर लीक हुआ था, आपके साथ कोई नहीं था, मैं आपके साथ था। जब आपकी भर्तियां नहीं निकली थी, अटक रही थी, तब मैं आपके साथ था। हर बार मैं आप लोगों के साथ था। मेरे माँ बाप, परिवार, 3 साल की मेरी बच्ची, सबको छोड़कर मैं आप लोगों के साथ था। मैंने आज तक आप लोगों से मैंने कुछ भी नहीं मांगा। मैं पहली बार आप लोगों से इसलिए मांग रहा हूं कि मैं आपके लिए और भी बेहतर कर सकूं। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। जब मुझे मौका मिला है 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों की आवाज बुलंद करने का, आप 2 दिन घर से निकलिए, कैंपेन करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, रिश्तेदार, भाई बहन, जो भी आपका रिश्ता निकलता है, आप आवाज उठाइए। मैं विश्वास दिलाता हूं और वादा करता हूं, जो आपकी वाजिब मांग है उनको मजबूती से उठाऊंगा, सीधे मुख्यमंत्री तक बात रखूंगा और आपके काम भी करूंगा। केवल आपसे मैं पहली बार जीवन में अपील कर रहा हूं, अभी नहीं तो कभी नहीं आप लोगों को कहना चाहूंगा। बहुत ये आप लोगों के लिए बहुत कीमती समय है। आपने देखा होगा कि जो कांग्रेस के नेता युवा बेरोजगारों पर मुकदमे दर्ज कर दिए, पेपर लीक कर दिए, झूठी घोषणाएं की, बजट की घोषणाएं अधूरी थी, ऐसे में मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, इस मौके से ना चूके, मदद करें, क्योंकि अपने भविष्य के लिए मैं कभी भी पीछे नहीं उठूंगा। पहले की तरह दुगनी ताकत के साथ आप लोगों की काम कराता रहूंगा, सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद।